अभी पहुंचे हम लोग अटल टनल के पास और इसके अंदर भाई पूरा ही अंधेरा होता है। अभी हम लोग यहाँ रुके थे, इन इन मैम को जो है भूख लगी थी। हे एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है 14 जनवरी 2024। और ये हम लोग सुबह सुबह बैठे हैं तंदूर के पास। आज हमारी वापसी है कुल्लू के लिए, तो फटाफट से तैयार वगैरह हो जाते हैं, फिर निकलेंगे सीधा कुल्लू को। और ये सैड हो रही है। हाँ, मुझे बुरा लग रहा है बहुत। कोई नहीं, ये भी आ जाएगी जल्दी कुल्लू वापस, है ना? आएगी ना? मैं आऊंगी 30 को। आऊंगी मैं 30 को? 30 बहुत दूर है यार। ओ भी घर वाले भेजेंगे। चल कोई नहीं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अमन, मेरे तो बुरे हो। गुड मॉर्निंग। कुछ नहीं है, बढ़िया लग रहे हो आप भी। हाँ, बोलती क्या कर रहे हो? थोड़ा लुगड़ी ये वाली चाहिए। तो अभी हम लोग रेडी हो रहे हैं घर जाने के लिए और मुंह बना रहे हैं। यहाँ नानी अम्मा देखो लुगड़ी दे रही है। मुंह देखने का लायक नहीं है। लायक आप प्यारे हो, आप ऐसे ही बहुत प्यारे हो। महाशय हमारे सोए हुए अभी तक। कोई सोए? जी जी, बस हम लोग निकलेंगे अब यहाँ से सीधा नॉन स्टॉप कुल्लू के लिए। कुछ बोलोगे? तू आएगी यार, कुल्लू मिलेंगे हम लोग अब। दूसरा बड़ा हम मम्मी को भी ले आना। हाँ, पक्का लाएंगे मम्मी को। ठीक है ठीक है ठीक है, पक्का पक्का पप्पे को भी बुलाएंगे। परखी साल आएंगे अगले साल। ठीक है ठीक है, चले आओ। ओके 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 अम्मा। ये जो दूध नहीं है, ये चाय है एक्चुअली। और ये चाय लॉल की चाय है, प्योर चाय नानी अम्मा ने बनाई है। प्यारी प्यारी नानी अम्मा। वाह ताज फेल है इसके सामने सब कुछ यार। यहाँ देखो आप, चाय जबरदस्त है। जरूरी है क्यों नहीं जाना चाहिए? क्या हुआ नानी अम्मा? जाना तो थकली को आएंगे ना फिर। जी अम्मा शाबाश। वो कहानी सच्ची थी ना सारी? सच्ची घटना पर आधारित। सच्ची घटना पर आधारित है गाइस। कैसा दिन था वो दिन? तो अभी भी याद आती है अम्मा। ये सारी ना हमारे हिमाचल में बहुत सारी चीजें होती है, आप लोगों को पता ही है। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैंने वो भी नहीं धोया है और मैं अपनी नानी को छोड़ के जा रही हूँ। प्यारी प्यारी मेरी चुम्मी है। चुम्मी मुझे बहुत बुरा लग रहा है। चुम्मा तो रोने वाली है, मुझे कुछ ऐसा लग रहा है। रोने वाली नहीं, रो रही है। इस तरह ना दिखाना यार, दिख रहे जोर से माया में कुछ आवाज आई थी। चुपचाप नहीं रोना। बाय गाइस, बाय बाय, मिलते हैं आपको। फागली को हल्दा फागली। तू क्यों रो रही है अब? इसकी आंखें देखो यार, मेरी आंखें रो रही है। ये गाइस रोना नहीं, गाइस रोना नहीं। मैं नहीं रो रही, रो रही है, रो रही है। यहाँ देखो आप इसकी। बाय गाइस, मैं क्या करूँ, मेरे को इसकी शक्ल देखी। ओके बाय रोहिणी, बहुत टफ लग रहा है ये सारी चीजें करना, पर हमें
नहीं आएगी दूर दूर क्यों रो रही है पर यार मैंने मेरी आंखों में नहीं मेरी मेरी प्यारी मेरी प्यारी अभी तो नहीं आ रही है थोड़ी थोड़ी रोना क्यों यार दोबारा मिलेंगे हम फिर मिलेंगे तू तुझे खड़े होने के लिए इनविटेशन देना पड़ेगा प्रधान से साइन करानी पड़ेगा ओके बाय बाय ओके ठीक है मैंने तुम भी आराम से जाना ओके चलो यार एक रह गए यार साकी रह गए ये पकड़ मला साकी ने फिर से मेरा साकी साकी ठीक है जतिन ठीक है दीदी ओके मिलते हैं फिर जल्द तू जा रही है पेन दे के जाए बाकी लिख रहा क्या गाइस जेब में क्या डाला तूने शगोटा शगोटा नहीं शगोटा मुर्गे का जो हमने रात को वो काटा था ना पोटे पोटा के लिए जी वो है इसकी जेब में घर जाके बनाऊंगी इसको मैं चलो ठीक है हम लोग फोटो खींचने के लिए रुके थे यहाँ पे बट इन लोगों का रोना धोना स्टार्ट हो गया है नानी धोतरी का कुछ नहीं है कुछ नहीं गाइस आते रहेंगे मेरे जाने पे तो एक बार भी नहीं रोए फोटो लो तो गाइस देख सकते हैं थोड़ा रो लो थोड़ा मन हल्का मैं कहाँ रोता मैं नहीं रोता तो गाइस हाँ शेव करेंगे गाइस इस साल रुको एक फोटो लोग घर की ओर जाएंगे थोड़ी देर आपको भ्रमण कराते हैं लाहौल का लाहौल रापे गांव का भ्रमण कराते हैं आपको एंड मन तो नहीं कर रहा घर जाने का बट जाना पड़ेगा दोस्तों कर भी क्या सकते हैं क्यों भाई जी जाना का मन तो मेरा भी नहीं है कल गाइस मैं भी जा रहा हूँ कुल्लू वाले हाँ यार हाँ जी आप दिखाओ ना मैं दिखाता हूँ तो दोस्तों ये देख सकते हैं आप ये है जोबरंग गांव फिर ये जो नीचे वाला ये फूड़ा गांव है और जो जो थोड़ा ऊपर जैसे दिख रहा है ये है आपका जालमा गांव जालमा ये वाला जालमा गांव है ये वाला फूड़ा गांव है ये वाला है आपका गोरमा गांव कहाँ गाँव ये वाला है गोरमा गांव और कौन सा पूछा और गांव और जो सबसे पहले दिख रहा वो जुंडा गांव तो बस इतना ही था ये भी कटने वाली है आज मामा जी ये भी कटने वाली कटेगी ये कटेगी ये एक्चुअली बात ऐसी है ये कटेगी मछली भी है अंदर मछली मेरे को छुट्टी है ना आपकी छुट्टी से क्या लेना देना कल से तो मेरी ड्यूटी है कटना इसके किस्मत में लिखा आपकी छुट्टी से क्या लेना अब हम लोग जा रहे हैं घर को मदक सिया इंदुस मनीषा को क्यों मनीषा बुरी लग रही है मेरे को बुरी की बुरा बुरा हाँ वो है तो परची साल वो है तो नानी भी खतरनाक है गाइस पेट्रोल ले लो पेट्रोल ले लो सस्ता है फ्री है हाँ सो मिस करेंगे भाई इस जगह को जिस दिन मैं शुरू वाले दिन आया था ना यहाँ पे तो मेरे को दो पजामे दो स्वेटर एक बार उसमें हुड दो जोड़ी जुराब लगानी पड़ रही थी क्यों और ठंडी इतनी लग रही थी और आज 15 दिन है मैं बिना जुराब एक शर्ट एक स्वेटर और एक पजामे के साथ चल रहा हूँ ये होता है कला है वैसे अब तो मुझे भी यहाँ कब हो गया पहले मेरे को थोड़ा सांस में प्रॉब्लम हो रही थी परसों तक अब तो सब मैनेज हो गया अब तो मैं 2-3 साल रह लूँ आराम से यार नहीं लॉन्ग कट से जाएंगे हाँ भ्रमण करते हुए ये घर यहाँ थे हम लोग देखो आपको जब हम आ रहे थे तब भी बताया था कि ये जमा हुआ है पूरा इसमें फिसलते भी है ना तो फिसल नहीं रहा
नहीं मेरी चप्पल वो चाइनीज है नहीं है, लेकिन मैंने ऐसे नहीं जाना भाई, कहीं मैं फिसल ना जाऊं। नहीं यहाँ पे मिट्टी है ना, सिंपल। मुझे भी स्कूटी में आगे तक छोड़ोगे? हाँ बिल्कुल, दीदी को प्लीज एक बार सच्ची। हाँ नहीं आगे तक डर के मोड़ देखा या हमारी धन्नो लगी है। हाँ में हो चाहे मुलाकात तो कुछ और डालना इधर। हाँ क्या डालना, क्या आएगा ये, आएगा क्या शक्ति का ये शक्ति रखती नहीं नहीं आएगा रखती नहीं भक्ति है शक्ति में ही भक्ति। ये आएगा ड्यू वाला ये पेट्रोल का, ये आ गया ना, पक्का लगा तो इसको, पक्का लगा किसको, इस ढक्कन को। प्लास्टिक दो, प्लास्टिक दो, जाने से पहले भाई पेट्रोल डालते हुए हमारे भाई जी। चेहरा है या चांद जुल्फ गनेरी। मित्रों आराम से जाना, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। ओके ठीक है, बाय। ठीक है जतिन, बाय दीदी, आराम। ओके 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 तो मिस करेंगे इस जगह को बहुत ज्यादा। हाथ मिला दे भाई, जन मत करवा इसको। इतना प्यारा लग रहा है सब कुछ, क्यों बस गुनू बस जी। तेरे जाना कहाँ से, आगे से नहीं जाना यहाँ से? हाँ ठीक है। रोई नहीं, सो जा ऐसे ऐसे सोते सोते कुल्लू पहुंचा दो मुझे। तेरे को कुल्लू आना चाहिए था यार। यार मैं नहीं आ सकती अभी तो। अब ठीक है बाय, फिर मिलेंगे। थैंक यू, मिलेंगे जरूर कद किसे मुड़ते। बाय बाय जी, बाय। ओ प्रिया बाय ना, बाय। बज गया ना मुंह, लोग निकल गए हैं कुल्लू के लिए। और ये खूबसूरत सा व्यू देखो आप लोग यार, और ये बर्फ नहीं पड़ी है, ये पाला जमा है ना राधिका, ये ठंड की वजह से जम जाता है। अभी नहीं पहुंचे है, अभी तो हम इस वाले ही रास्ते में है, उदयपुर वाला रास्ता ही नहीं, ये रापे वाला रास्ता है। yes. तो जी अभी हम लोग यहाँ पहुँचे इस खूबसूरत जैसे व्यू में, वो देखो सामने कैसी बर्फ दिख रही है। धूप निकल के उतनी ठंड नहीं है जितना लोग सोचते हैं। मैंने तो विदाउट ग्लव्स हूँ मैं इस टाइम पे, एंड काफ़ी मज़ा आ रहा है।
ये व्यू चेक करो दोस्तों, बर्फ ही बर्फ भाई। पहुंच गए यहाँ देखो हेपन मंदिर में, अभी निकलेंगे जय कार करके। पहुंचे हम लोग अटल टनल के पास और इसके अंदर भाई पूरा ही अंधेरा होता है कसम से, डर जैसा लग रहा है यहाँ से जाने में। पिछले परसों भी मतलब बहुत डर जैसा लग रहा था, बट एनीवेज हम लोग चले जाएंगे। लग रहा है ओ नहीं, चलो तब रुके थे इन इन मैम को जो है भूख लगी थी, इसलिए ये भुट्टा खा रहे हैं। घर के लिए भी पैक कर दिया है, बाकी अब बस अभी सोलंग वैली में है। यहाँ से कुल्लू पहुँचने को एक एक कर घंटा लगेगा। ये लाओ, लाओ यार। आपको मैं एक बात बताऊं, पीछे हो जाओ मेरी शक्ल लो यहाँ से। लाइफ की सबसे बेस्ट ट्रिप मेरी ये है, और मेरा सपना था कि मैं स्कूटी राइड करके खुद मनाली से बहुत आगे जाऊँ घूमने, ये तो मनाली से बहुत ज़्यादा आगे था लाहौल, तो मेरा सपना पूरा हो गया है। और जो मेरे कैमरा गर्ल है उनके मुंह में पानी आ रहा है, अभी मैं मनाली से आ गया हूँ, मैं भी शायद ये 15 मील 18 मील आसपास है, तो बहुत मज़ा आया। मुझे लगा था ना जो अपनी अटल टनल है ना, मेरे को लगा था वहाँ लाइट नहीं होगी, जैसे हम जब जा रहे थे ना लाहौल को तो वहाँ लाइट नहीं थी, मेरा बीपी लो हो गया था स्कूटी पे, मैंने सोचा बस अब मैं बेहोश, राधिका भी गिर जाएगी और मैं भी, बट फिर भी भगवान का नाम लेके निकले थे घर से, झूठ बोल के निकले थे, टैक्सी में जा रहे हैं, झूठ तो नहीं बोलना चाहिए बट मेरे घर वाले अलाउ नहीं करते, तो इसलिए हम लोग स्कूटी में आ गए ये बोल के कि टैक्सी में आए हैं। तो काफ़ी मज़ेदार ट्रिप रही है, बाकी बाय। तो जी फाइनली हम लोग पहुंच गए कुल्लू, और आप सभी को साजे की ढेर सारी शुभकामनाएं, आज माँ का भी साजा है, और साजे के दिन मुझे घर पहुंचना ही था इसलिए हम आए, वरना मैंने वहीं रहना था। नानी अम्मा बोल तो रहे थे कि बहुत रह लो बट हम रह नहीं पाए, हमारा तो 2 दिन रहने का भी कोई प्लान नहीं था बट हम लोग रह लिए, उन्होंने बहुत फोर्स किया तो उनके लिए इतना तो बनता है यार, इतना प्यार से हमें रखा वहाँ पर। तो होप सो आप लोगों को ये जो सीरीज़ है ये अच्छी लगी होगी, एंड प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर देना आप लोग चैनल को, और खूब प्यार बरसाना। अब होप सो मैं कंटिन्यू करूं, क्योंकि घर में कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी तो उस वजह से व्लॉग्स वगैरह नहीं बनाए मैंने, तो अब कंटिन्यू रहेंगे व्लॉग्स, कंटिन्यू करने की कोशिश रहेगी व्लॉग्स। बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू सो मच, बाय 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 बाय।